आमिर खान अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म है। बड़े बजट और बड़े स्टार कास्ट वाली ये फिल्म शुरुआत से ही सुर्खियों में छाई हुई है, लिहाजा फैंस भी इस फिल्म को लेकर काफी बेसब्र हैं। ताजा रिपोर्टर्स की माने तो अब फैंस को फिल्म के ट्रेलर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। खबरों के अनुसार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पहला पोस्टर जहां सितंबर के पहले हफ्ते में रिलीज कर दिया जाएगा, वहीं दूसरे हफ्ते में पहला टीजर और सितंबर के आखिर में फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर वरुण धवन की फिल्म सुई धागा के साथ जोड़ा जा सकता है। दोनों फिल्में यशराज बैनर की ही हैं। दरअसल ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भारत की सबसे बड़े तौर पर रिलीज होने वाली फिल्म बनने वाली है। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाएगा, साथ ही साथ कई देशों में भी फिल्म रिलीज होगी। लिहाजा फिल्म के प्रमोशन के लिए भी मेकर्स ने 40 दिनों का समय रखा है, जिस वजह से ठग्स का ट्रेलर सितंबर में ही रिलीज कर दिया जाएगा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख मुख्य किरदार निभा रहे हैं। ये यशराज बैनर की सबसे महंगी फिल्म बन रही है। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ तक रखा गया है। जाहिर है चीन और भारत में एक साथ रिलीज मतलब की ताबड़तोड़ कमाई। कोई शक नहीं पहले वीकेंड ही फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। भारत में 100 करोड़ तो चीन में 200 करोड़। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी फातिमा के किरदार के इर्द गिर्द घूमेगी। रिपोर्टर्स की माने तो फिल्म में आमिर खान और बिग बी दोनों आमने सामने धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस करते नजर आने वाले हैं। इसके लिए एक्टर्स ने तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी ली है। ये एक्शन सीन फिल्म की हाईलाइट होने वाला है। माना जा रहा था ये फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से प्रेरित है, हालांकि आमिर खान ने इसे इनकार किया है। लेकिन यदि ऐसा है तो फिल्म को लेकर फैंस का आकर्षण दुगना हो सकता है। जोधपुर में बने मेहरानगढ़ किले में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के क्लाइमेक्स की शूटिंग की गई है। यहां कुछ बॉलीवुड और कुछ हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। कंगना रनौत की मणिकर्णिका से पहले यहां फिल्म शुद्ध देसी रोमांस, हम साथ साथ है, आवारापन जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है। वहीं हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट राइजेस की शूटिंग भी हो चुकी है। हमें बताइए दोस्तों आपकी क्या उम्मीद है फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से नीचे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।